नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में यूनिट संख्या 5 के अंतर्गत राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 की विशेषता 1994, उसके बाद में हमने चर्चा की औद्योगिक नीति 2010। आज हम चर्चा करेंगे निवेश प्रोत्साहन नीति 2014। ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, निवेश प्रोत्साहन नीति या फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014। ये आज का टॉपिक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना या नीति 2014 के बारे में हम संक्षिप्त रूप में कई बार टिप्पणी के रूप में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी उपयोगी चैप्टरों में माना जाता है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014। वसुंधरा राजे की सरकार में भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 जारी की गई। वसुंधरा राजे की सरकार में अब इसकी हम संक्षेप में चर्चा करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी टिप्पणी के रूप में आता है, संक्षिप्त शॉर्ट रूप में आता है, तो उनके बारे में पूछें कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति 2014 क्या है। वसुंधरा राजे की सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन स्कीम 2014 अपने कार्यकाल में प्रारंभ की थी। इसे नए आयाम या नए क्षेत्र की संज्ञा भी दी गई, जिसे न्यू डायमेंड्स एंड न्यू होरिजन्स आशा की गई कि जिसमें उद्यमकर्ताओं को राज्य की नई इकाई स्थापित करने और चालू उपक्रमों का विस्तार और रुग्ण उपक्रमों की रिवाइवल के लिए निवेश करने में मदद मिलेगी। इससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार रखे गए, जिसमें प्रथम है, सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक एकमुश्त निवेश में पहली बार विनिर्माण इकाई में इस स्कीम को लाभ दिया गया, जिसमें तंबाकू उत्पादों व शराब बियर पेयजल उपक्रमों को छोड़कर 250 करोड़ रुपये का पिछड़े क्षेत्र में। इसमें एक महत्वपूर्ण रूप से जो पिछड़े हुए थे जिसमें शराब पेयजल आदि चीज़ों को इसमें दूर रखा गया। दूसरा, वेट व बिक्री कर के उपक्रम में 7 वर्ष तक जमा कराया गया। वेट में बिक्री कर में कितने वर्ष तक है? वेट व सेल टैक्स के रूप में 7 ईयर। डिपॉजिट्स करवाया गया, जिसमें हम बात करें इसका लगभग 30% निवेश सब्सिडी के रूप में लिया गया। वेट और CST 20% तक रोजगार सृजन सब्सिडी के रूप में दी जा सकी और 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क 5% की छूट, 50% की छूट, पर्यटन क्षेत्र में 25% की छूट और 7 वर्ष में भूमि कर व मंडी में 50% की छूट रहेगी और भूमि क्रय निर्माण व सुधार व स्टाम्प शुल्क में 50% की छूट रखी गई। भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने पर 50% परिवर्तन चार्जेज की छूट रहेगी और अन्य श्रेणी के उपक्रमों में भी रियायतें दी गई, जिसमें सेवा उपक्रम, महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, विकलांग व्यक्तियों के उपक्रमों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए, जिसमें इसी प्रकार रुग्ण निकायों के पुनर्जीवन के सुधार के लिए भी प्रावधान रखे गए, जिसमें सेवा उपक्रमों को भी लाभ पहुँचाया गया। इस स्कीम में जिन उद्योगों या जिन क्षेत्रों को लाभ पहुँचाया जाएगा उनके नाम इस प्रकार हैं, जिसमें सेमरेक, कांच डेयरी, औद्योगिक गैस, दवा, पर्यटन, वस्त्र आदि को सम्मिलित किया गया। 2014 की स्कीम में प्रेरणाएं प्राप्त करने की विधि में सब्सिडी के वितरण की विधि, त्रुटि सुधारने की विधि या आदि विषयों के संक्षिप्तीकरण या स्पष्टीकरण का विस्तार किया गया, जो इस स्कीम के प्रपत्र
62 प्रश्नों में इस प्रकार से दे रखा है। आशा है कि निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 के क्रियान्वयन में राज्य के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें 2010 की पूर्व वर्णित उद्योगी नीति में काफ़ी व्यापक व प्रगतिशील किस्म की थी, जिसमें उद्योगों के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की आशा भी रखी गई। राजस्थान में काफ़ी क्षेत्रों में औद्योगिक नीतियों परिणामों में भी परिवर्तन लाए गए, लेकिन अभी तक राज्य में औद्योगीकरण का रफ्तार तेजी से नहीं हो पाई है। अतः भविष्य में विभिन्न सुझावों पर विचार भी हमें करना चाहिए कि आगामी दशक में राज्य की औद्योगिक नीति किस प्रकार से प्रगत हो सके। उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना चाहिए और इस संबंध में विद्युत, परिवहन, संचार आदि साधनों के विकास के लिए उचित कीमतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिलेवार, उद्योगवार, निवेशवार उद्योगों व ग्रामीण व शहरों के अनुसार निर्धारण व दक्ष श्रमिकों की सप्लाई में वृद्धि हो। स्वामित्व के अनुसार उद्योगों का आवंटन सार्वजनिक व निजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, देशी और विदेशी पूंजी के अनुसार वितरण आदि के आधार पर औद्योगिक नियोजन की रूपरेखा तैयार करने उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार राज्य अभी तक इन दशाओं में प्रगति की ओर छूता रहा है, तथा भविष्य में ठोस औद्योगिक विकास की भी आवश्यकता रही है। तो इस प्रकार राजस्थान औद्योगिक स्कीम्स या टिप्पणी के रूप में पूछते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योग क्या है। लघु कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? लघु व कुटीर उद्योग के विकास के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, लघु व कुटीर उद्योग की क्या महत्व है, क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, और लघु व कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उनके कौन कौन से सुझाव हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जो आपके एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर पूछते हैं कि राजस्थान में लघु व कुटीर उद्योगों के बारे में। फिर अगले चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे जो आपकी इस फिफ्थ यूनिट का अंतिम चैप्टर होगा, ग्रामीण वित्त के बारे में, कि ग्रामीण वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं, जो कि हमने यूनिट संख्या थर्ड में अध्ययन किया था। ग्रामीण वित्त के स्रोत या कृषि वित्त के स्रोत एक ही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, केसीसी क्या है, केसीसी की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ग्रामीण साख जो है उसकी कौन कौन सी कमियां रहीं और किस प्रकार से उनको समाधान करना है, वो हम अगली चैप्टर में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पुनः हम इसको पुनः रिवीजन के रूप में हम देखें कि राजस्थान की औद्योगिक नीति या राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना नीति 2014 अहम नीति के रूप में भूमिका निर्वहन की, जो पिछड़े क्षेत्रों में मुख्यतः 250 करोड़ रुपये के निवेश में और विभिन्न रुग्ण एवं जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन के रूप में राशि दी गई, जिससे उन उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और वो उद्योग प्रयत्नशील या अग्रसर रूप से भूमिका का निर्वहन कर सके। तो इस प्रकार इस चैप्टर में राजस्थान की औद्योगिक नीति में जो तीन नीतियाँ जो हमने चर्चा की, राजस्थान औद्योगिक नीति 1994, इसकी प्रमुख विशेषताएं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं कि औद्योगिक नीति 1994 की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कीजिए कि राजस्थान की औद्योगिक नीति 1994 क्या है। कई बार पूछते थे निवेश प्रोत्साहन नीति 2010, और जैसे कि आज के वीडियो में हमने चर्चा की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014, इनके बारे में तीनों में आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं। तो आप आसानी से इन प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकें, क्यों हमने लगभग राजस्थान की औद्योगिक नीति जो आपके चैप्टर में यूनिट संख्या फिफ्थ में तीन ही नीतियां हैं, और पूर्व की क्लासों में ट्वेल्थ में और बीकॉम फर्स्ट में कुछ टॉपिक्स में हमने इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ा है। आप इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियों के बारे में पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। तो वाकई में राजस्थान की औद्योगिक नीति की चर्चा करें तो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास करवाए जा रहे हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो इस प्रकार राजस्थान की औद्योगिक नीति में 1994 से 2000
14 तक की हम बात करें तो एक अहम तरीके से विकासरत प्रयत्नशील प्रयत्नशील रही है और उद्योगों को निरंतर बढ़ावा देने के लिए ये नीतियाँ क्रियान्वित रही हैं। तो इस प्रकार राजस्थान की जो औद्योगिक नीति है या राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति 1994 है, वो पिछड़े क्षेत्रों में एक अहम तरीके से क्रियान्वित कर रही है। तो हम राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति या राजस्थान की औद्योगिक नीति के बारे में हम चर्चा करें तो ये अहम भूमिका के रूप में भी निर्वहन कर रही है। तो हम राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में भी विभिन्न प्रकार की कमियां रही हैं। आगे सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियाँ या विभिन्न सुझाव उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर करती रहेंगी और उनको अग्रसर आगे बढ़ाती रहेंगी। तो इस प्रकार हमने आज के इन वीडियो में राजस्थान की निवेश नीति 2014 का गठन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है कि उद्योगों का सतत विकास करना और उनको बढ़ावा देना, कि किस प्रकार से उद्योगों का निरंतर बढ़ावा दे सके। तो हम इस प्रकार अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में लघु कुटीर उद्योग की कौन कौन सी सीमा है, लघु कुटीर उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं हैं और कौन कौन से उनके सुझाव हैं और राजस्थान के आर्थिक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक नीति की या लघु कुटीर उद्योगों की क्या भूमिका रही है, उनके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।